दोस्तों आईपीएल 2024 के सीजन के लिए मुंबई इंडियंस की टीम ने हार्दिक पांड्या को अपनी टीम का नया कप्तान अब घोषित कर दिया है। हालांकि मुंबई इंडियंस के इतना बड़ा डिसीजन लेने के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा बवाल हो गया है, जहां पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रोहित शर्मा अब यहाँ पर आरसीबी की टीम में ट्रेड होकर जा चुके हैं। सारी अपडेट आपको इस वीडियो में डिटेल में बताई जाएगी, तो आपके लिए यहाँ पर यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर वॉच करना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं हमारे चैनल पर नए, तो प्लीज हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़े तमाम अपडेट्स की वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहे। चलिए अब हम बात करते हैं रोहित शर्मा की ट्रेड की। तो दोस्तों आईपीएल 2024 के सीजन से पहले मुंबई इंडियंस की टीम ने हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया है। इसके साथ ही हार्दिक पांड्या के कप्तान बनने के बाद अब यह कंफर्म हो चुका है कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा हमें हार्दिक पांड्या की कप्तानी में अब खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों हार्दिक पांड्या के कप्तान बनते ही यहां पर अब मुंबई इंडियंस को सोशल मीडिया पर काफी अधिक यहां पर ट्रोल किया जाने लगा है, जहां पर रोहित शर्मा के फैंस काफी अधिक निराश दिखे हैं। मुंबई इंडियंस के इंस्टाग्राम अकाउंट और यहां पर ट्विटर अकाउंट पर फॉलोअर्स लगातार डाउन हो रहे हैं। इसके साथ ही यहां पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग माने तो काफी सारी आईपीएल टीमें अब यहां पर रोहित शर्मा को ट्रेड का यहां प्रपोजल दे रही हैं, जहां पर आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने रोहित शर्मा को ट्रेड करने के लिए ऑफर दिया है। आरसीबी की टीम तो रोहित शर्मा को अधिक पैसे तक देने को तैयार हो चुकी है। अगर यहां पर रोहित शर्मा आरसीबी में आते हैं तो आरसीबी की टीम रोहित शर्मा को कप्तान के रूप में घोषित करेगी। वैसे दोस्तों आप सभी कमेंट करके बताना कि रोहित शर्मा को अब यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम को छोड़कर क्या यहां पर आरसीबी की टीम को ज्वाइन कर लेना चाहिए या फिर नहीं। इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।